हर हर महादेव, जय महाकाल, जय जय सुहलदेव। मित्रों नमो नमो। साथियों, मैं ब्रजेश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिला प्रभारी वाराणसी, आज लाइव वीडियो आने का मकसद है। साथियों, तीन दिन पहले से एक वीडियो जारी किया गया है मऊ जनपद से। वहाँ के बीजेपी के विधायक श्री विजय राजभर जी एक अनोखे अंदाज में दिखे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बहुत बेहतरीन आवाज़ उठाई है और मैं अपनी पूरी टीम के तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगा, इसलिए कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावती तेवर जो उन्होंने बताया कि आज भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बताते हैं कि ये जुमलेबाजों की जो सरकार है, आज इस सरकार में कोई एक नेता दिलेर तो निकला, एक विधायक दिलेर तो निकला। तो इसलिए मैं विजय राजभर जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा है। तुम्ही ने मुल्क में नफरत का तूफान मचा डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन से प्यार का दावा ना करो, वतन से प्यार का दावा ना करो साहब, तुम्ही ने मुल्क को शमशान बना डाला है, तुम्ही ने मुल्क को शमशान बना डाला है। विजय राजभर जी के लिए हार्दिक बधाई, लेकिन मैं उनको एक संदेश देने के लिए आज लाइव आया हूं कि साथियों, जो सड़क पे उन्होंने तेवर दिखाया है, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो सड़क पे आज एक थाने, एक चौकी और एक गांव और एक क्षेत्र का मामला नहीं है साहब, ये पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में ये बहुत ही संगीन मामला है। लोग आए दिन जूझ रहे हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आपने जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन आपको सदन तक भेजा गया है ये आवाज़। विधायक बन करके आप ये आवाज़ जिस दिन लखनऊ की सदन में उठाने का काम करेंगे, जिस प्रकार से यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीबों, कमेरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करते हुए उन्होंने इन बेईमानों के सामने, भ्रष्टाचारियों के सामने घुटने नहीं टेके, उनकी गर्दन कट गई। आज वंचित समाज को अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित हैं। आज माननीय नेताजी के पदचिन्हों पर चल करके आज हम लोगों को गर्व होता है कि ऐसे महापुरुष के साथ ये लड़ाई लड़ने का जो हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, आज बहुत गर्व का विषय है। लेकिन आज श्री विजय राजभर जी ने तीन दिन, चार दिन पहले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, वो बहुत ही आपके लिए सराहनीय है, समाज के लिए सराहनीय है, देश के लिए, प्रदेश के लिए सराहनीय कदम है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो आवाज़ आपने सड़क पे उठाई है, वो आवाज़ सदन में उठनी चाहिए। सदन में आप अपने याकाओं को, कैबिनेट मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के सामने इस आवाज़ को बुलंद करिए कि देश और राज्य में कितना बुरा हाल है गरीबों का। आए दिन गरीब उत्पीड़न से जूझ रहे हैं। आज ठेला खुमचा रोड पे जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, आज उनका कितना बुरा हाल है इस कोरोना महामारी में। और पुलिसिया तांडव, इस पुलिसिया तांडव से पूरा क्षेत्र, पूरा देश, पूरा गरीब समाज, किसान समाज त्राही त्राही कर रहा है और आप लोगों के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही है। मैं विजय राजभर जी के तर्ज पे मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक मंत्री गए बनारस से,
बनारस में उन्होंने इतनी बड़ी सभा की, एक रैली किया और लोगों को, गरीबों को, वंचित समाज को बताया कि मैं आपको आरक्षण दूंगा, आरक्षण दिलवाऊंगा, आपके समाज को नौकरी दिलवा दूंगा, महिलाओं को हक अधिकार मिलेगा। कटिंग मेमोरियल के मैदान में आज ये समाज के बहरूपिये अपने वादा को भूल गए और वादा फरोशी करने लगे, ये जुमलेबाजी में व्यस्त हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि विजय राजभर जी का जो तेवर है वो सदन में उठे और जो ये हमारे मंत्री बनारस से आज कैबिनेट की कुर्सी पर बैठ करके आज अपनी मलाई काट रहे हैं, सो आराम कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करना चाहता हूं कि ये पकौड़ा तलने का क्या संदेश देना चाहते हैं। सड़क पे कहीं पकौड़े की दुकान देख करके आप पकौड़ा तलने लगे, क्या हमको, देश को, देश की जनता को यही उम्मीद थी कि आप लोग पकौड़ा तलने लगो, कहीं झाड़ू मारने लगो, कहीं कचरा बीनने लगो, कहीं दारू की शीशी उठा करके फोटो खिंचवा करके आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? आपको क्या यही दिन देखने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के समाज के लोगों ने यही दिन देखने के लिए आपको विधानसभा भेजा था? अरे अगर ऐसा काम करना है तो आप कैबिनेट मंत्रालय छोड़ दो, विधायक पद से इस्तीफा दे करके नरेगा ज्वाइन कर लो, सफाई कर्मी में हो जाओ, पहले कचरा साफ कर लो, पहले पकौड़े तल लो। कोई पकौड़ा तलने वाला कैबिनेट मंत्री बन गया, कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, अगर इसकी रिस्पांसिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपने पद को छोड़ करके नरेगा ज्वाइन कर लो, सफाई कर्मी में हो जाओ, कचरा बीनो। ये देश की जनता को ये उम्मीद नहीं थी। आज इस महामारी के दौर में आप लोगों ने अपना संयम खो दिया है और सर पानी के ऊपर, ये सर से ऊपर पानी जा रहा है साथियों, गरीब मर रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका बनारस काशी की नगरी में, हम लोग भी स्वागत करना चाहते हैं, हमारे सांसद हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आज देश की जनता, आज दिल्ली में किसान मर रहे हैं, आज उनके ऊपर गोले दागे जा रहे हैं आंसू गैस के। क्या देश के किसान और देश के जवानों को आज मरने मिटने के लिए आप बॉर्डर पे छोड़ दिए? आपके कोई बीच का रास्ता नहीं है, आप बनारस में आ रहे हो देव दिवाली मनाने? देव दिवाली तो तब मनेगी साहब जब गरीब के घर में निवाला होगा, उसके घर में उनके बच्चों के रोजी रोटी का इंतजाम कर लिए होते। देव दिवाली सब लोग मनाते, आपकी दिवाली तो मन गई, आप देव दिवाली तो मना लेंगे। आज बनारस को गंगा जल से नहवाया जा रहा है, मंदिरों की सफाई हो रही है, रोड की सफाई हो रही है, जैसे साक्षात भगवान आ रहे हैं। अरे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग देश को? देश की गरीब की जनता आज गांव में जाकर के देख लीजिए कितनी त्राई त्राई, कुछ अंधभक्तों को बुरा लग रहा होगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके आका भाजपा के नेता सारे झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर्मी और सफाई में लगे हुए हैं, उनसे एक संदेश आप जरूर कह देना, उनको बता देना कि जो उनकी जो बड़ी योजनाओं में कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि बनारस के जा करके, आप लोग बहुत बड़े गौरक्षक बनते हो ना, किसी भी गौ आश्रय केंद्र और गौशाला का भी एक चक्कर लगवा लेना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, अवकात पता चल जाएगा कि इस योजना में कितनी बड़ी घोटाला और कितना बड़ा अन्याय आप लोगों ने, अत्याचार गायों के साथ कर दिया। एक बार मैं अपील करना चाहता हूं, अगर अवकात है तो ले जाकर के गौ सेवा केंद्र और गौशाले जो बनाए गांव-गांव में, तो जो गांव गायों को जुटा करके उनके साथ उनका हनन हो रहा है, उसको जा करके उसका लाइव वीडियो दिखा दीजिए, उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं देश और गाय और धर्म के साथ। एक योजना और थी, ये बनारस के कुछ गांवों को इन्होंने गोद लिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिए और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। मैं बनारस का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन मैं उनके संसदीय क्षेत्र से आता हूं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने जो पूरे देश को आपने
कुछ दिनों पहले बताया कि मैं पूरे देश को शौचालय मुक्त कर दिया हूं। एक शौचालय का जो सूची होगा आपके पास, आपके अधिकारियों के पास नहीं, बनारस के डीएम के पास होगा। आप उस सूची को मंगवा करके, वो सूची तो पूरा है, पैसे का कितना बड़ा घोटाला, नाजायज खर्च हुआ है, आप किसी गांव में जाकर के किसी गरीब के दरवाजे पर कि शौचालय का कितना बड़ा उपयोग हो रहा है। आपने इतना बड़ा, आज धरती पर मैं समझता हूं पूरे भारत में शौचालय की जो योजना चलाई, आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो शौचालय का घोटाला हुआ है साहब। किसी गांव में अगर नजर नहीं आएगा तो हमको बुलवा लेना, किसी भी गांव में जो भी अंधभक्त होगा उत्तर प्रदेश के, अगर विरोध करता है तो हम उसी के गांव में चल करके उसी के गांव में दिखाएंगे कि शौचालय के ऊपर कितना बड़ा घोटाला हुआ है और शौचालय कितना यूज में है, कितना अनयूज में है। ये बोर्ड लगवाने से, सफाई करने से, सिस्टम बनाने से होता है। आज देश में महामारी आ गई, महामारी के दौर में आपने कौन सा बजट दिया गरीबों और देश के लोगों को, आप बता दीजिए कि महाकुंभ का 45,000 करोड़ का बजट था, राम मंदिर का बजट है 45-40 हजार करोड़ का, तमाम आपके पास बजट है, लेकिन हमको कोई एक भक्त बता दे कि कोरोना महामारी में कौन सा बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दिया जिससे गरीबों का फायदा हुआ, जो गरीबों का हमेशा उसके सुख दुख में वो बजट काम किया हो कि उनके घर में निवाला बन सके। आज तेल भरने के लिए पूरे देश के कर्मचारियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को तेल भरने के लिए, देव दिवाली मनाने के लिए आज बनारस में अधिकारियों को, स्कूल टीचरों को और राजस्व विभाग के अधिक कर्मचारियों को, छोटे से बड़े कर्मचारियों को लगा दिया गया है कि आप तेल में, दिया में तेल भरो और देव दिवाली मनाया जाए। किस बात की दिवाली, किस बात की दिवाली मनाने जा रहे हैं? क्या कोरोना मुक्त हो गया हमारा देश, गरीबी चली गई, किसान उत्पीड़न खत्म हो गया? आपने वादा किया था कि देश में बेरोजगारी जाएगी, क्या हमारे देश से बेरोजगारी चली गई? नौजवान पलटी करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने वादों को भूल गए और लोगों को खाली बार बार जुमलेबाजी। आज बिहार में चुनाव था, कोरोना नहीं था, बिहार से चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हर जगह कोरोना हो गया। आज कलकत्ता में आए दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए दिन रोज कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां कोरोना नहीं है। ये कोरोना के डर से पूरे देश को भयमुक्त, भय से आप क्या साबित करना चाहते हैं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपसे ये आशा और उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को इतना भयभीत कर दिया, क्या मजबूरी है वो सच्चाई दिखाने के लिए आज नहीं है उनके पास। आज सोशल मीडिया पे अगर जनता के पास फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं होता, ट्विटर नहीं होता, तो शायद ये जानकारी आज भी शेयर नहीं हो पाती और लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, आप लोग अपने कर्तव्य और निष्ठा पे आइए। सफाई करने और झाड़ू कर मारने के लिए, आप लोग पकौड़ा तलने और चाय बेचने के लिए आपको सदन, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं भेजा गया है। आप लोगों से ये उम्मीद देश को नहीं थी। और ये देव दिवाली मनाने, देव दिवाली तब बनती जब गरीब के घर में भोजन पकता, गरीब संतुष्ट होता, उसका बच्चा संतुष्ट होता, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था सब ठीक होती। आज देश बर्बाद के कगार पे है, आज देश में आपात स्थिति आई है और आप लोग देव दिवाली मनाने जा रहे हैं, देव दिवाली की तैयारी हो रही है। आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा है, किसान उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, देश का युवा बर्बादी के कगार पे है। और इस लाइव वीडियो के माध्यम से अपने स्वजाति भाइयों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट मंत्री पकौड़ा कैबिनेट मंत्री, तोता मंत्री
आज वो अपनी मर्यादा भूल गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उस पकौड़ा मंत्री तक इस बात को पहुँचाइए कि आखिर उस साहब को क्या तकलीफ है। आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया, आज समाज की मर्यादा और इतिहास को कैसे कैसे लोग हमारे समाज के बुद्धिजीवी कहाँ से खोज करके आज फ्रंट पे रखने की कोशिश किया जा रहा है कि हमारा कितना स्वर्णिम इतिहास है और इतिहास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। एक दो दिन तीन दिन पहले एक पोस्ट जारी होता है, पकौड़ा मंत्री, पकौड़ा कैबिनेट मंत्री, आपके पोस्ट एक जारी किया जाता है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पार्क सारनाथ का होगा सौंदर्यीकरण। उसके नीचे भी बोर्ड है श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर, पूरी टाइटल लगी हुई है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी मानसिकता बहुत गलत हो चुकी है। ये व्यक्ति आखिर चाहता क्या है, हमेशा ये टाइटल के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप इसके विरोध में आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो ये बेईमान पूरे समाज के इस टाइटल को खत्म करने के कगार पे है। अगर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पार्क सारनाथ वाराणसी का सौंदर्यीकरण की बात करते हो तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर कहने में आपको टाइटल जोड़ने और लिखने में क्यों शर्म आती है। अगर ये बेईमान अगर ये चाहा होता तो डाक टिकट के समय महाराजा सुहेलदेव राजभर डाक टिकट जारी हो गया होता, महाराजा सुहेलदेव राजभर एक्सप्रेस जारी हो गया होता। आज इनको शर्म आती है राजभर टाइटल जोड़ने पे। अगर कोई फिल्म बनती है, कोई इतिहासकार इतिहास को छेड़ता है, अगर करड़ी सेना के लोग राजभर टाइटल लगा करके वहाँ पे छत्री राजाओं का इतिहास दिखाता है तो वहाँ इनकी आवाज़ और जुबान नहीं खुलती है, क्योंकि इनको इनके याका बता दिए हैं कि उसमें राजभर नहीं जोड़ना है। उसका महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भारतीय झूठ पार्टी के लोग राजभर समाज को छल से अपने साथ रखना चाहते हैं और कुछ चमचा चाटुकार और दलालों को अपने साथ इसलिए रखे हैं। ये भस्मासुर हैं, इनको पहचानने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इनको समझने की कोशिश करिए। ये पूर्वांचल में राजभर को सुहेलदेव का ये महाराजा बता करके हमारे इतिहास के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन पश्चिमांचल में ये जाकर के पासी समाज के साथ एक टाइटल जोड़वा करके ये दोनों का लाभ लेना चाहते हैं। साथियों और ये पकौड़ा मंत्री से आप मैं एक संदेश देना चाहता हूं और आप लोग भी अपील करिए कि ये डबल दोहरी नीति ये छोड़ दें और एक नीति पे आ जाए। या तो ये राजभर बता दें, या तो ये पासी हो जाए, या तो कोई और इनका टाइटल है तो उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन अपना जो स्टैंड है उसको आईने की तरह साफ रखना होगा और ये बेईमानों को अपने इस लिस्ट और सूची से निकालना होगा, उनको पहचानना होगा कि आखिर हमारा कौन रहनुमा है और किसके साथ हमारी भलाई है। तो साथियों इस पकौड़ा मंत्री तक इस संदेश को पहुंचाइए और आप लोगों से भी अपील है कि अगर उसमें राजभर नहीं जुड़ता है तो हमको प्रधानमंत्री के सौंदर्यीकरण पे हमको मोहताज नहीं रहना है। आज राजभर समाज जाग चुका है। यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग चंदा उठा करके हम अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के उस पार्क को सुंदरीकरण में हम कर सकते हैं। उतनी ताकत उतनी कुवत अब समाज के लोगों में है। अब समाज का लोग जाग चुके हैं और जिनको जोड़ना था वो जुड़ गए हैं और जिनको नहीं जुड़ना है उनकी जरूरत नहीं है। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में आज आपके साथ ऐसे ऐसे महापुरुष आ चुके हैं कि आप अपनी ताकत को कमजोर में मत आकिए। साथियों आपके साथ यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय कृष्णा पटेल जी को लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा, बाबू रामपाल, अनिल सिंह चौहान, प्रेमचंद प्रजापति जैसे महारथियों को जोड़ करके और इन बेईमानों के साथ सामना करने के लिए मिशन 2022 के तहत
ये एकजुट हो गए हैं और अपने आप को आप कमजोर मत आकिए साथियों, आप संगठन और संगठन की शक्ति को आंकने की जरूरत है और लोगों को जोड़ने और जोड़ करके एक साथ चल करके नेताजी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है साथियों। तो लास्ट में एक बार मैं एक शेर के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं साथियों, कुछ को आप जगा दो, कुछ को आप जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लाइव के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके बीच आएंगे। फिलहाल इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और पकौड़ा कैबिनेट मंत्री तक जरूर भेजिएगा कि वो अपने स्टंट को बदल ले, या तो राजभर हो जाए, या तो पासी हो जाए, या तो सारा टाइटल बदल करके वो कहीं और चला जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहलदेव, जय हिंद, जय भारत।